स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें पहले से अब और अधिक बढ़ गई हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस के साथ अब डेंगू को लेकर भी जिले में अलर्ट जारी किया गया है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में डेंगू का पीक टाइम माना जाता है। बिलासपुर डेंगू मामले को लेकर रेड जोन में है। हालांकि पिछले साल 2019 की बात करें तो सिर्फ 38 मामले ही सामने आए थे, लेकिन 2018 में 2000 से अधिक मामले सामने आने के बाद बिलासपुर जिले पर स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस रहता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हल्की सी लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। वहीं अगर कोरोना के समय में डेंगू बीमारी अधिक फैल गई तो यहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह साफ किया है कि अभी तक जिले में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियातन जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में डेंगू से निपटने की पूरी तैयारी की है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने टीमों का भी गठन किया गया है। स्वास्थ्य अमला घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कोविड और डेंगू को लेकर दोनों के जागरूकता बोर्ड शहर में लगाना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में बिलासपुर जिला में 2008 केस डेंगू के हुए थे, लेकिन विभाग की और एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार कोशिशों के बाद 2019 में ये केसेस का जो नंबर था वो 38 पे आ गया था। तो एकदम से शार्प फॉल आया था। उसमें लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था कि लोगों ने साफ़ सफाई का ख्याल रखा, और क्योंकि 2018 में 2000 से ज़्यादा केसेस आए थे, तो इस बार भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस साल डेंगू बिलासपुर में कंट्रोल में रहे या बिल्कुल भी कोई भी केस ना आए। लेकिन इस साल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि कोरोना वायरस का संकट पूरे विश्व में फैला हुआ है, और हम ये सोचते हैं कि अगर ये कोविड और डेंगू दोनों का मेल होता है तो ये शायद ज़्यादा घातक हो सकता है। तो इसलिए इस बार हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। इसमें अकेला डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, इनके करने से ही सारा कुछ नहीं होगा। लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है कि उनको अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने पानी के जो बर्तन हैं, पानी की टंकियां हैं, गमले हैं, इनमें पानी जमा ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यह साफ पानी में डेंगू का मच्छर है जो वो पनपता है और वहीं पे ये अंडे देता है और ये और नए मच्छर पैदा होते हैं। तो लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, और लेकिन हमने अपनी तरफ से सारी कोशिशें और सारे इंतज़ाम हैं वो कर लिए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स की डीसी साहब की अध्यक्षता में 2 बार मीटिंग हो चुकी है। सारे डिपार्टमेंट्स के रोल डिफाइन कर दिए गए हैं कि जो फॉगिंग है वो शहरी एरिया में म्यूनसिपल कमेटीज़ करेंगी और गांव के एरिया में पंचायत के सदस्य या पंचायत द्वारा करवाई जाएगी। और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से डेंगू के जो पेशेंट हैं उनका डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट होंगे वो फ्री किए जाएंगे, और जो दवाइयां हैं वो भी फ्री दी जाएंगी। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल डिफाइंड है। और इसके अलावा लोगों में डेंगू से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं, इसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट अपने आशा वर्कर तक सारे लोग इसमें शामिल होंगे और लोगों को बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी है कि हमने होर्डिंग भी यहाँ पे शहर में लगवाए हैं, जहाँ पे जिसमें ये लिखा गया है कि डेंगू और कोरोना का मेल है वो बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए कोरोना से तो बचना ही बचना है, लेकिन साथ में ये ख्याल रखना है कि डेंगू ना हो, क्योंकि ये दोनों बीमारियाँ अगर किसी को भी एक साथ होंगी तो उसमें कोविड के जो लक्षण हैं वो ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। तो डेंगू और कोरोना के मामले में तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और लोगों से फिर से अपील करता हूँ कि कृपया अपने घरों में साफ सफाई रखें, आसपास में जो घास और झाड़ियाँ वगैरह हैं उनको काटें, पानी के सारे बर्तन ढक के रखें, और छोटी सी छोटी जगह जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है, छोटी सी छोटी चीज़, तो वो वहाँ पे पानी जमा ना होने दें ताकि ये डेंगू का मच्छर पैदा ना हो।